इनकी जब चेकिंग की गई तो इनके पास से एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस मिले। बर्ग के खिलाफ जो वो काफी सारा मामला दर्ज भी है, साथ ही साथ ये 3 हत्याएं करने की भी योजना बना रहे थे अलग अलग धाराओं में। आर्म्स एक्ट हो गया, 307 हो गया, लूट और डकैती हो गई, करीब 44 प्रकरण दर्ज है। राम राम जी, नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जल को झुंझुनू। सूरजगढ़ के अंदर मंगलवार देर रात में पुलिस की कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के अंदर लगभग 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बनकत के पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस और साथ में जो वो गाड़ी और कुछ पैसा भी बरामद करे गए हैं। बता दूँ कि बनकत के खिलाफ जो वो काफ़ी सारा मामला दर्ज भी है, इसलिए आप ऐसे हिसाब से बातचीत कराऊंगा कि कितना के मामला दर्ज हैं और के सजा को प्रावधान है और के बड़क ऊपर आगे कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले तो झुंझुनू पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत ही शानदार काम वह कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि कुछ मामला के अंदर प्लानिंग करता हुआ ही अपराधियों ने गिरफ्तार कर लिया गया। के पूरा मामलो है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे हिसाब का चलाऊंगा, बातचीत बनसा कराऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जरूरी है जानने के लिए, पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि के हिसाब से अपनी पुलिस सेवा काम कर रही है और अपराध जो वो खत्म करने का प्रयास कर रही है। शेयर कर देना वीडियो ने, लास्ट तक जरूर देखना। में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान के अंतर्गत हमारे पास ये सूचना आई कि सूरजगढ़ इलाके में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट है जिनके पास हथियार हो सकता है और वो कोई घटना कारित कर सकते हैं। इस सूचना पर DST और सूरजगढ़ थाने की एक स्पेशल टीम बनाई गई और उनके द्वारा 3 व्यक्तियों को डिटेन किया गया जो कि स्विफ्ट कार में घूम रहे थे। इनकी जब चेकिंग की गई तो इनके पास से एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस मिले। प्रारंभिक जो पूछताछ इनसे फिर की गई उसमें एक अजय सैनी नामक एक और व्यक्ति का नाम आया। हमारी टीम अजय सैनी के पीछे भी लगी और फिर इसको भी डिटेन किया गया जिसके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले। तो 2 अलग अलग कार्रवाई में हमारी जिला स्पेशल टीम और सूरजगढ़ थाने के द्वारा टोटल 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ इनके पास से 62,306 रुपये कैश भी जब्त किया गया है और इनकी गाड़ी को भी सीज किया गया है। इनसे जो भी प्रारंभिक पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं इसमें इन्होंने ये बताया है कि इनकी एक लूट करने की योजना थी, साथ ही साथ ये 3 हत्याएं करने की भी योजना बना रहे थे। ये बता दूं मैं कि ये चारों के चारों योगेश, दीपू, सुमेर और अजय सैनी, ये चारों के चारों आदतन अपराधी हैं। इनके विरुद्ध कुल मिलाकर चारों का अगर हम आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो कुल मिलाकर 44 प्रकरण अलग अलग धाराओं में, आर्म्स एक्ट हो गया, 307 हो गया, लूट और डकैती हो गई, करीब 44 प्रकरण दर्ज हैं। और साथ ही साथ योगेश और दीपू ये गंगापुर सिटी में फायरिंग के प्रकरण में भी वांछित है। और वीडियो देखने में लगे थे साफ साफ आपको बोलना है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बनकर के खिलाफ अलग अलग कोई के खिलाफ 15, 14, 9 और 10 यानी कि टोटल 44 मामला जगह है पर दर्ज हैं। तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो कि अपराधियों को पुलिस का चंगुल में आनो और साथ में बनकर ये भी कहना है कि 2 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और एक स्विफ्ट गाड़ी और कुछ पैसा जगह लगभग 60 से 62 हज़ार रुपया बनकर से बरामद करे गए हैं और एक बहुत बड़ी अपराध होने से बचा लियो गयो है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है आपने जो झुंझुनू पुलिस है बी को और साथ में एक बहुत बड़ा अपराध होने से बना बचा भी लियो है। और साथ में मेरे एक सवाल तार से ये भी रखो कि जी साफ साफ देखा कि पुलिस तो आपको काम कर रही है लेकिन समाज के अंदर खास तौर पर झुंझुनू की बात करा, झुंझुनू के बारे में ऐसा कह जाए कि एक शांत और बहुत ही शहीदा की नगरी का एक नाम लियो जा है लेकिन एक अंदर अगर अगर अपराध या अपराधी गतिविधि अपा बोल सका बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो बिन रोकने के लिए समाज को के प्रयास रहना चाहिए कि अपन कितनों के जागरूक रहना चाहिए कि अगर कोई यहाँ को आदमी अपन दिखाई दे है फिर आपको सूचना हुआ है तो जल्दी से जल्दी अपन पुलिस तक सूचना भी की करनी चाहिए और साथ में पुलिस ने और किए प्रयास करना चाहिए ताकि यहाँ का मामला है पूर्ण विराम लाग जा बिकले के प्रयास करना चाहिए तो मैंने जरूर से बताओगा, सजेस्ट जरूर से करोगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलाऊंगा अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।